गाइस होप सब सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपना रख रहे होंगे बहुत सारा ख्याल, मुझे रख रहे होंगे दुआ में याद। मैं एक बार फिर से लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर किया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ दाल कद्दू और चने की दाल। यहाँ पर मैंने लिए एक पाव के करीब और आधा किलो मैंने लिए थे कद्दू, उनको मैंने बारीक बारीक छील कर काट लिया है और ये मैंने ऐड कर दी कुकर के अंदर, ठीक है। वैसे तो हम सिंपल तरीके से भी पका सकते हैं वैसे ही इनको, लेकिन तब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास टाइम कम है और मैं कुकर में पकाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने तीन चार चीज़ें ली हैं और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक का लिया है और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर थोड़े से ये मसाले जो गर्म हैं साबुत, ये मैंने ले लिए हैं, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन आधा किलो पानी और ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और इसे लगाऊँगी मैं तकरीबन 15 या 16-17 मिनट के लिए। इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी और फिर उसके बाद हम अगला जो स्टेप है उसकी तरफ जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना भूल चुकी हूँ कि कद्दूओं के साथ ही मैंने साबुत लहसुन के जुए दिए हैं, वो कुछ मैंने अदद लिए थे और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं, साबुत जब मुँह में आते हैं और लहसुन वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं इसको प्रेशर, प्रेशर लग चुका है और अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये दाल और कद्दू हमारे गल जाते हैं अच्छी तरह से, तब तक हम करते हैं मसाला रेडी। मसाला करते हैं रेडी और उसके बाद हम देखेंगे जब ये गल जाएंगे फिर हम इनको उसके अंदर ऐड कर देंगे और हमारी रेसिपी हो जाएगी जल्दी से बड़ी फास्ट तरीके से रेडी। शुरू करते हैं हम मसाला भूनना। जी गाइस, यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ और ये जो प्याज है ना ये मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, उनको लंबी लंबे काट लिया है। लंबे लंबे प्याज जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं दाल के अंदर। तो प्याज को हमने कर लेना है लाइट ब्राउन अच्छी तरह से और इसके बाद बाकी मसाला जात हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तब तक जो हमने प्रेशर लगाया हुआ है दाल को और वो पक रही है, 15 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम वो भी वेट से उतार लेंगे। जी गाइस, प्याज हो चुके हैं हमारे ब्राउन, लाइट ब्राउन मैंने कर लिए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने दे दिया है अदरक, तो ये एक चम्मच अदरक मैंने इसके अंदर किया है ऐड और इसको मैं हिलाऊंगी अच्छी तरह से। और इसके बाद ये मैंने ले लिए हैं दो बड़े टमाटर और ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इनको हिलाएंगे। और इसके साथ ही मैंने लिए हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और ये भी हम साथ ऐड करके इनको अच्छी तरह से हिला देंगे। तो फ्लेम मैंने रखा हुआ है यहाँ पर मीडियम, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं किया क्योंकि हाई फ्लेम पर कोई भी खाना अगर हम तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो आहिस्ता आहिस्ता पकाएं और मज़े से पकाएं, बहुत ही अच्छे जो खाने हैं वो आपके तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मिर्चें भी ली हैं और ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये बहुत अच्छी लगती हैं दाल कद्दू के अंदर साबुत मिर्चें। तो अब हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी मसाला जात, ठीक है। जी गाइस, मसाला जो है ना ये वाला मैंने हल्का सा भून लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच सुरख मिर्च का और इसके साथ ही मैं नमक मैंने पहले ही ऐड किया है तो आधा चम्मच मैंने ऐड किया था, तो इस मसाले को पूरा करने के लिए आधा चम्मच मैं और ऐड कर लूँगी। और इसके साथ ही आधा चम्मच आएगा इसके अंदर हल्दी और सूंड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पर लिया मैंने ये, ठीक है। और इसके साथ ही थोड़ी सा जो है ना वो हम पेपरिका पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे जिससे कलरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही अच्छा जो है ना वो अच्छी लुक आती है किसी भी जो सालन हम बनाते हैं उसकी, ठीक है। तो अब हम इसको जो ना हल्का सा पानी का टच देंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और दाल हमारी जो है वो प्रेशर पर रखी हुई थी उसको भी 15 मिनट गुजर चुके हैं तो वो भी हम प्रेशर से उतार के डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले को अच्छी तरह से भून के, ठीक है। तो फिर अब हम इसे भून लेते हैं और बाकी जो दाल है वो भी लेकर आते हैं और वो साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे। जी गाइस, आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है, अब हम इसे ऐड करते हैं अपने मसाले के अंदर।
ये गाइस मसाला भी हमारा भुन चुका है अच्छी तरह से, और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं दाल कद्दू जो कि हमने बॉईल कर ली है। एक बार अच्छी तरह से हिला देंगे और फ्लेम को कर देंगे हम लो, क्योंकि दाल हो चुकी है हमारी रेडी। और अब हमने इसको करना है डिश आउट, और डिश आउट करने से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला मिक्स। जी गाइस, दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनी है, यकीन मानिए आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारी दाल जो है वो पक चुकी है, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है आधा चम्मच के करीब गर्म मसाला मिक्स जो है वो ही ऐड करती हूँ। मैं सारे मसाले जो हैं वो ग्राइंड करके रख लेती हूँ ताकि अलहदा अलहदा जो उनको ऐड ना करना पड़े, एक साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल आने के लिए रख देते हैं इसे 2 मिनट के लिए, फ्लेम बिल्कुल बिल्कुल लो है, और 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, और उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। ठीक है गाइस, दाल कद्दू हमारे हो चुके हैं रेडी और बहुत ही टेस्टी बने हैं, तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मुझे रखिए दो में याद, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।